नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह के और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, ताकि आप वीडियो भी पूरा देख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? तो मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, मैं काफ़ी फास्ट बोलूँगा, आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ दोस्तों, वो हुआ है शौर सेनी में, ऑप्शन नंबर सी इस द राइट आंसर। राजभाषा का सही अर्थ, ठीक है, तो राजभाषा का आपको सही अर्थ बताना है, आप आंसर लगा लीजिए तब तक। तो एक और आपको ज्ञान के बाद बताता हूँ कि हिंदी भाषा जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो है हमारी राजभाषा, और उसी का अर्थ यहाँ पर पूछा गया कि राजभाषा का अर्थ क्या होता है। तो राजभाषा का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थर्ड देख लेते हैं, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो एक एक करके देखते हैं सभी को। तो सुंदरता आई थिंक ये विशेषण है, ठीक है, और बात करें अर्थशास्त्र की तो ये एक पुस्तक का नाम है, तो इसलिए हम इसको व्यक्तिवाचक में रखेंगे। गिरोह समूहवाचक, ठीक है, और सोना जो आई हमारी वो आई द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है? तो जिस भी शब्द में जो प्रथम पद होता है अगर वो अव्यय हो, ठीक है, तो वो आएगा हमारा अव्यय भाव में। इसका विग्रह देख लेते हैं, विग्रह होगा समय के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संज्ञा के कितने भेद हैं सबको पता होगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 5, ठीक है। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो रचना की दृष्टि से जो शब्दों के भेद हैं वो हैं 3। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करें, आपको बताना है इसमें अशुद्धि किस शब्द में है। तो क्या करके देख लेते हैं, साप्ताहिक, ठीक है, ये पहले में ही अशुद्धि दी है क्योंकि साप्ताहिक होता है ना कि साप्ताहिक। बाकी वर्ड भी देख लें आप, ले यहाँ पे वीणा, बाष्प और सिंदूर ऐसे लिखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, रसभरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कौन सा तत्पुरुष समास है ये जानने के लिए हमें इसका विग्रह करना पड़ेगा, ठीक है। तो रसभरा का जो विग्रह होगा वो होगा रस से भरा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर से का इस्तेमाल हो रहा है, तो से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करें 9th क्वेश्चन की, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इच्छावाचक, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इच्छा का जो जहन हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, दोपहर में कौन सा समास है? तो आपको बता देते हैं कि जिस भी शब्द में प्रथम पद कोई नंबर को डिनोट करे, ठीक है, जैसे दोपहर का आप विग्रह करोगे तो वो बनेगा दोपहरों का समूह, ठीक है, यानी कि किसी नंबर का इस्तेमाल हो रहा है तो वो आता है द्विगु समास में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11th क्वेश्चन, हास किस रस्त का स्थाई भाव है? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों हास्य, ठीक है। 12th क्वेश्चन, जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शब्द अलंकार। बात करें 13th क्वेश्चन की, कोई विशेषण है, तो आपको बताना है कोई किस प्रकार का विशेषण है। तो आशा है आपने अब तक अपना आंसर लगा लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, आपको बताना था कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। बात करें 14th की, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ए का नाम बताएं, ठीक है, तो कपीश का विग्रह होता है कपि प्लस ईश, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इसमें जो संधि है वो है दीर्घ संधि। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सदैव में प्रयुक्त संधि, तो संधि की भी एक ट्रिक है, अब आप देख रहे हैं ऊपर दो मात्राएं हैं, ठीक है, जहां पर भी दो मात्राएं आ जाएं वो होगी हमारी वृद्धि संधि, ठीक है, और वृद्धि संधि जो आती है वो आती है व्यंजन संधि में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16th क्वेश्चन, दिग्गज का सही संधि विच्छेद, आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिग प्लस गज, ठीक है। बात करें 17th की, शुक्र शब्द का अर्थ क्या है? तो शुक्र जो शब्द है दोस्तों उसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, सुअर। 18th क्वेश्चन देख लें, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं?
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अपना आंसर जो है वो लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा अंकिंचन। ठीक है, 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको बताना है इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे एक अपना प्यारा सा लाइक दे देना। ठीक है, तो आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बात करें 19 क्वेश्चन की, तो इसमें जो सही उपसर्ग होगा दोस्तों वो होगा प्रति। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का 20 क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तत्सम शब्द आपको बताना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।